गोशी रोटेला के साथ तेरे को काम करने का मौका मिलेगा। गोशी अभी आई थी एक हफ्ते के लिए, फोन आया आ जाओ मिलने। बोला यार तू भी, तेरी भी आदत खराब है। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई स्वागत है आपका। तो भाई पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, और लमसम 280-290 किलोमीटर के पहाड़ है हमारे, और अभी कम से कम 7-8 घंटे लग जाएंगे हमें पहुंचने में। तो भाई 4:30-5 बज रहे हैं, ठीक है, तो हिसाब लगा लो कम से कम 2-3 बज जाएंगे पहुंचते। तो चलते हैं और रास्ता दिखाते हैं आपको बढ़िया। ये देखो भाई कितना प्यारा व्यू है, साइड में अपने नदी है और यह मतलब सीधा बढ़िया रास्ता। भाई बहुत अच्छा रास्ता बना दिया है कसम से, वरना इसमें ना ऐसी हालत खराब हो जाती थी आने में, इसकी कोई हद नहीं। और तो भाई इतना प्यारा देखना, भी काफी टाइम लगने वाला हमें। तो साइड में नदी भाई, और वेदर भाई बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा। यही इतना ठंडा है, शिवपुरी क्रॉस करके अभी थोड़ी देर शीशे खोल के ट्राई करा था कि हवा ले ली ठंडी, और भाई बहुत ज्यादा ठंडी हवा थी, हमने तो भाई बंद कर दी है। क्या है देखना भाई, पूरा भरा पड़ा ही फॉग है, क्या है पता नहीं, फोन में इतना नहीं दिख रहा भाई, सामने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा पता नहीं क्या है, ये देखो पूरा भरा पड़ा, कुछ नहीं दिख रहा वो भाई, लगता है बादलों में आ गए भाई हम। अरे भाई अब भी सो रहे हैं, ये देखो भाई, ये भाई दो नदियों का संगम है, ये एक भागीरथी है और एक अलकनंदा है, ठीक है। ये देखो भाई कितना सुंदर है, और एक का पानी देखो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल मतलब काला टाइप सा, और एक का बिल्कुल नीला पानी है भाई, बिल्कुल साफ पानी। और भाई इस मौसम में देखो, इसमें कोई नहाए देखो, नहा और रहे हैं भाई सामने, भाई साहब क्या हालत हो रही होगी इतने ठंडे पानी में। तो ये भाई भागीरथी और अलकनंदा का वो है, संगम है यहाँ पर, तो इसलिए बोला जाता है कि संगम नगरी देवप्रयाग में आपका स्वागत है। तो भाई यहाँ देखा, ऐसे ऐसे आगे और दिखाते हैं आपको स्पॉट्स, और फिर यहाँ से निकलते हैं, और अभी तो भाई काफ़ी टाइम और लगेगा हमें। और भाई केदारनाथ का वो गैस मत करना, हम केदारनाथ नहीं जा रहे भाई। तो भाई हम पहुंच गए हैं धारी देवी टेंपल, यहाँ से रास्ता, तो यहाँ से रास्ता है भाई इसका धारी देवी का। और इसका भाई एक वो है, मतलब स्टोरी है इसके पीछे ना, कि मतलब इस मंदिर को इतना क्यों माना जाता है। साहिल क्या सीन हुआ था ये भाई? ये सीन हुआ था जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी ना, तो कहते हैं वो इसलिए आई थी, ये धारी देवी माता का मंदिर है बीचों बीच बिल्कुल नदी के, तो ये धारी देवी माता का मंदिर है ना जो ये बिल्कुल नदी के बीच में है, तो ये गवर्नमेंट का कोई नया मतलब कुछ स्कीम वगैरह आई थी कि भाई यहाँ पे कुछ बनाएंगे तो मंदिर को हटाया जाएगा, अच्छा लगाया जाएगा। तो मतलब कि जिस दिन आए वो लोग, अगले दिन जब ये फैसला लिया गया, जब यहाँ के लोगों ने विरोध किया मंदिर को हटाना, मतलब यहाँ से
अलग किया जाए, अलग किया जाए मंदिर। तो जब पता लगा कि हाँ भाई वो है, तो अगले दिन जब वो लोग आए इतने में ही केदारनाथ में आपदा आ गई। अच्छा, वो जो आया था पहले आया था वहाँ पे बाढ़ आई थी भयंकर, बादल फटा था। हाँ, तो इस चक्कर में फिर उसके बाद से इस माता के मंदिर को बहुत मान्यता है, वैसे भी है, और कहते हैं माँ धारी देवी है जो वो इस पूरे एरिया की सेफ्टी, मतलब अपने समझते ना भाई लोग। और इस वजह से भाई बहुत हाइप में आ चुका है मंदिर, मतलब पहले लोग इतना नहीं जानते थे लेकिन अब मतलब सब को पता है लगभग। और ये देखो भाई, बड़ी सुंदर नदी है, चीज़ है ना। ये देखो भाई पीछे से चलती आ रही है, और भाई कसम से यार रोड इतने अच्छे हैं ना, मतलब मैंने जो व्लॉग्स चेक करे थे शायद वो यार थोड़े ज्यादा पुराने थे, तो उसमें भाई रोड्स का मतलब बहुत वो था, हमें हाँ मिले थे, हमें बीच में थोड़े बहुत पैचेस मिले हैं जिसमें भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है, लैंडस्लाइड होती है ना वहाँ पर, रोड खराब ही मिलेगा वहाँ पे, नहीं बन सकता रोड, जितनी बार लैंडस्लाइड होगी रोड टूट जाता है। बट भाई मेरा जो मैं अपना ओपिनियन दूं, भाई आंख बंद करके आप यहाँ सकते हो, इतने प्यारे रोड है। और जो ये पारी के सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इसमें खींच रखे हैं भाई, मैं यहाँ प्लॉट काटूंगा, यहाँ पर, यहाँ पे कटिंग चल रही है प्लॉटों की, 1 करोड़ रुपए गज है, 1 करोड़ रुपए गज, 1 करोड़ रुपए गज के हिसाब से है भाई, 10 गज का मिल जाएगा आपको, 10 करोड़ का। जिन्हें फोन करना हो नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लाट कटने वाले हैं यहाँ पे। तो भाई मौका अच्छा है, जल्दी लो, जल्दी से जल्दी भागो, 10 करोड़ का लो, 2 करोड़ में बेचो उसी टाइम। अरे ईएमआई का कुछ वो है? बिल्कुल है जी, 40 साल के कर्जे में गिर देंगे आपको। देखो भाई, भाई एक बात है, पहाड़ों में ना मतलब यार जान बसती है, उत्तराखंड की पहाड़ियां में जीसा लागे से, यार एक लाइफ मिली है, पता नहीं भाई कल क्या हो जाए। तुम्हें ऐसी जगह देखना कितना सुंदर है, ये रोड कंडीशन देखो आप, पहाड़ पे हो कितना अच्छा रोड है, देखो कितना गवर्नमेंट ने अच्छा काम कर रखा है भाई। ये देखो 70-80 की स्पीड पे ना आराम से चल सकते हैं, अच्छा है, ऐसा लग रहा है हाईवे पे चल रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया जगह है। और भाई मैं तो कहता हूँ देखो, व्लॉगिंग अलग हो गई बट यार लाइफ एक ही मिली है, जो उसे एंजॉय करो यार। कल पता नहीं यार कुछ हो जाए, एक्सक्यूज़ लेके घर बैठे रहो, कुछ नहीं होता भाई। तो ये टाइम ना भाई दोबारा नहीं आता, ठीक है? तो भाई इस टाइम को ना एंजॉय करो, ना कि इसे खराब करो, ठीक है? तो मेरी तो भाई यही सलाह है, बाकी आप लोगों की अलग हो तो भाई कह नहीं सकते कुछ। तो चलते हैं भाई आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो भाई देख लो, रात से निकले हुए हैं, और घर से साइलम कितने बजे निकले थे, मतलब फरीदाबाद से ऑलमोस्ट 8 बजे निकल गए थे मैं ना, ठीक है? और फोन दिख गई हूँ, और अब भी देख लो भाई फोन दिखा, अब भी कम से कम 3 घंटे का रास्ता भाई अब भी रह रहा है। देख लो भाई कितनी मतलब वो करनी पड़ती है यार, और ये आप लोगों के चक्कर में ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इस साइड रूट ना हम भाई बहुत कम बनाते हैं, पर ये इस चीज़ के भरोसे भाई चलो यहाँ भी, आप हो ही गया कि भाई जो चीज़ नहीं देखी वही देखें और आपको दिखाएं। भाई बस अभी ट्रैवल कर ही रहे हैं, 3 घंटे और हैं भाई, कहीं स्टे नहीं लेंगे, सीधा वहीं जाएंगे जहाँ जा रहे हैं हम, ठीक है? और साहिल भाई हमारे देख रहे हो, दोबारा थोड़ी नींद सी में आ गए हैं, फॉर्म ख़त्म हो गई है इनकी, इनकी फॉर्म चालू करवानी पड़ेगी। और भाई ये देखो, हेलो धामी साहब कहाँ हो? दो एसपी साहब को वो भेजो मेरे पास, ये ट्रैफिक क्लियर कराओ यार, आपको पता इतने टाइम कितनी सर्दी होता है। अरे आप बताओ, आप बताओ सर, आप बताओ। नहीं 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 इतनी कोई हेलीकॉप्टर मत भेजो, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सर, देखो फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं, नहीं नहीं कोई काट दे, मैं मोदी जी को नहीं बोलूंगा कुछ भी, लेकिन ट्रैफिक क्लियर कराओ, ठीक है? करवा रहे सारे जोनल ऑफिसर को लगाओ। कैदी क्या रिकॉर्ड कर रहा है तू? ये ना पास आते जा रहे हैं ना, नजारे यहाँ मिलते ही जा रहे हैं, देखो। ओ भाई फाइनली हम पहुंचने वाले हैं जहाँ का, मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी ना जिस जहाँ की, वहाँ फाइनली भाई पहुंच गए अब, ठीक है? कितने घंटे हो गए हमें? 17 घंटे। 17 घंटे का भाई हमें वो लगा, अभी 3 घंटे तो हमारे वहीं खराब, 4 घंटे हमारे खराब हो गए, 4 घंटे हमारे वहीं खराब हुए हैं, नहीं तो पहुंच तो जाते, पहुंच जाते।
ये तो रोड की कंडीशन अच्छी है तो जल्दी पहुंच गए, ये तो रोड खराब होता तो मुश्किल था, मुश्किल था भाई। भाई ये भाई आर्मी वाले ना इतने सपोर्टिव नेचर के हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये देखो भाई, मतलब हम गलत आ गए थे तो इन्होंने हमें रोका, इन्होंने मतलब ये भी नहीं कि भाई कुछ वैसे कहा हो हमसे, हमने बोला था कि हमें रुकना है यहाँ तो कहने लगे कि हमारे साथ रुक जाओ, ऐसा यहीं रुक जाओ हमारे पास रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इतने अच्छे, मतलब खुशी मिलती है ना भाई, क्योंकि पुलिस वाले इतने अच्छे नहीं होते भाई जितने आर्मी वाले अच्छे होते हैं। और भाई हम मेन वाली पहुँच चुके हैं अब, और अब ढूंढ रहे हैं भाई अगर मिल जाए तो। तो भाई फाइनली ओली पहुंच चुके हैं, और भाई वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, ठंड लग रही है मेरे को बहुत गंदी वाली। और भाई आपको देखो व्यू दिखाता हूँ, इतना प्यारा व्यू भाई, बहुत ही सुंदर जगह है। वैसे कुछ नहीं है लेकिन जो ब्यूटी है ना और पीसफुल एरिया है भाई, मतलब मज़ा आ गया। तो आपको दिखाता हूँ भाई मैं ये अपने रूम का व्यू दिखाऊँ आपको, रूम का व्यू इतना अच्छा है, इतना अच्छा है मतलब पूछो मत, यहाँ के मेरा तो दिल खुश हो गया भाई। देखो अपने को ना जगह नहीं ऐसी कोई नहीं चाहिए, अपने को चाहिए भाई पहाड़ सुंदर, ठीक है। और वो चीज़ हमें मिल गई, क्यों साहिल मिल गई ना। तो देखो भाई आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखो भाई तो भाई अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद ना शाम को देखते हैं, शाम को वो ये बोल रहे हैं 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो कल सुबह ट्राई करेंगे, यहाँ की जगह देखेंगे कि एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो देख दाख के फिर करते हैं। और भाई अब इस व्लॉग को कर रहा हूँ एंड, अब आपको मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। और अब भाई सोते हैं और आराम करते हैं भाई थोड़ा, अब बहुत अब थकावट हो गई है, गाड़ी में जब चल रहे थे जब थकावट नहीं हुई थी, अब थकावट लग रही है। तो चलो भाई थे और इस ब्लॉग को करो यही एंड, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, और भाई मिलते हैं आपसे, जय श्री राम।